हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश मुंदड़ा और आप देख रहे हैं चैनल सोलर पंडित। याद रखिए चैनल का नाम पंडित नहीं पंडित है। तो आज हम कर रहे हैं डीसीडीबी का अनबॉक्सिंग। बेसिकली एक छोटा सा डीसीडीबी है जिसमें दो स्ट्रिंग्स का कनेक्शन होता है। नॉर्मली 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए सफिशियंट होता है। तो हम अनबॉक्सिंग तो नहीं कर रहे हैं, इसको हम अनरैपिंग कर रहे हैं एक्चुअली। तो टेक्निकल गुरुजी जैसा तो नहीं कर पाएंगे, उतना शार्प उतना एनर्जी अभी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको नॉलेज पूरी शेयर कर पाए। तो अब मेरे ख्याल से ये आपको स्क्रीन पे ठीक से दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ सामने देखिए आप डेंजर का सिंबल है। 1000 वोल्ट डीसी का पावर इसमें से सप्लाई हो सकता है। तो इसको अगर आप यूज करें, इसको अगर आप ये चार नट्स के थ्रू खोलें, उससे पहले आप इंश्योर करना कि आपकी डीसी साइड का सप्लाई बंद हो। आप सोलर का एनर्जी इसको डिस्कनेक्ट करें, फिर इसको आप यूज करें। सेकेंड चीज, इसका जो बॉडी है अपर बॉडी वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप सभी को पता है। तो इसके लिए प्लास्टिक का बनाया जाता है, पॉलीकार्बोनेट से बनाया हुआ ये बॉडी है। इसको पीछे हैंग करने के लिए देखिए यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं चार, जिसकी वजह से आप आसानी से कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डीसीडीबी है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाएं, आप इससे भी खूबसूरत बना सकते हैं, बट ये एक बेसिक सा डीसीडीबी है कि आप कोई भी वेंडर से अगर ये डीसीडीबी बनवाएं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए ये आपको इंश्योर करनी है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे फ्यूज है। अब आप फ्यूज की जगह एमसीबी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एसीडीबी का जो बॉक्स है उस पे हमने एमसीबी यूज किया है, इसलिए यहाँ पे हमने फ्यूज यूज किया है ताकि आपकी नॉलेज पूरी तरह से कंप्लीट हो। बेसिकली फ्यूज और एमसीबी में फर्क यही है कि आपका फ्यूज जो है वो बेंड हो जाता है करंट ओवरफ्लो की वजह से, और एमसीबी ट्रिप होता है। तो बेंड होने के बाद आप फ्यूज को वापस यूज नहीं कर सकते, लेकिन एमसीबी ट्रिप होने के बाद आप उसको ऊपर करके रीयूज कर सकते हैं। तो ये आपका पहली चीज है। अब इसमें सेकेंड चीज है, ये डेंजर के पीछे जो है ये देखिए एसपीडी है। ये मैं थोड़ा सा आपको आगे करके भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, तो ये एसपीडी जो है इसका फुल फॉर्म होता है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। तो ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस क्या करता है, एक सेकेंड इसको हाँ इस तरह से रख देते हैं। सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस बेसिकली क्या करता है, हम थोड़ा सा इंग्लिश समझ लेते हैं इसके पीछे। सर्च प्रोटेक्शन और डिवाइस, सर्च का मतलब बढ़ना। आपने ओला और उबर में बहुत बार नाम सुना होगा सर्च का, तो जिसकी वजह से आपका प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जब करंट बढ़ जाता है तो सर्च, जब करंट सर्च होता है तो उसको प्रोटेक्शन करने का ये डिवाइस है। प्रोटेक्शन यानी उसका बचाव और डिवाइस यानी ये यंत्र। ठीक है, तो ये सर्च करंट को प्रोटेक्ट, हमारे जो भी हमारा डीसी साइड एसी साइड है उसमें करंट का फ्लो ना हो। जब भी हमको सॉरी ये डीसी साइड से करंट फ्लो होता है तो एसी साइड में ये करंट का फ्लो ना हो, इसका प्रोटेक्शन का ये डिवाइस है। तो ये क्या करता है, जो भी ओवर करंट आया हुआ है उसको अर्थ कर देता है। अर्थिंग के लिए यहाँ पे इसके यहाँ पे ये देखिए सेंटर में एक जो होल है, यहाँ से सिर्फ एक ही आउटपुट आउट होता है, इसमें कुछ भी इन नहीं होता। तो अर्थिंग की स्ट्रिप है, ये अर्थिंग का सिंबल है इस पे बनाया हुआ। उसके बाद इसमें थर्ड चीज जो है यहाँ पे वो है कनेक्टर्स। ये भी मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखा देता हूँ। देखिए ये कनेक्टर्स हैं। ये कनेक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली आपको जो डीसी पावर आई हुई है इस बॉक्स के अंदर, तो वो डीसी पावर्स ये दोनों फ्यूज और इसमें एसपीडी से पास होने के बाद ये एसी सॉरी ये इन्वर्टर में जाए, इसके लिए ये कनेक्टर्स हैं। तो इन्वर्टर्स को कनेक्ट करने वाली कनेक्टर्स है। अब इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था ये दो स्ट्रिंग वाला डीसीडीबी है, तो इसमें देखिए दो प्लस है जो रेड कलर के हैं और दो माइनस है। ठीक है, तो जब ये तीन स्ट्रिंग का बनेगा तो इसमें तीन प्लस तीन माइनस होंगे, या एक स्ट्रिंग का बनेगा तो एक प्लस या एक माइनस होगा। इस सिस्टम में जैसे कि मैंने पहले कहा आप 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं। जैसे ये आउटपुट देखिए, अभी इसका आउटपुट में आपके दो रेड है यानी कि दो पॉजिटिव है और दो ब्लैक है यानी कि दो नेगेटिव है। तो ये इस तरह से ये पूरा डीसीडीबी का डिजाइनिंग है। ये डीसीडीबी हम भी सेल करते हैं और आपको मार्केट में आपके वेंडर से भी बनवा सकते हैं। आपको अगर ये डीसीडीबी का कोड चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा स्क्रिप पे यहाँ नीचे है और ऊपर भी आपको व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा। तो मेरे को जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और
डीसीडीबी के बारे में कोई चीज मैंने मिस कर दी तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप डीसीडीबी पे एक वीडियो बनाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो इसको लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं चैनल को कंटिन्यूअसली। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।